अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ महविश की कुकिंग बेकिंग में बहुत ही मज़ेदार सी क्रीमी हॉट कॉफ़ी की रेसिपी, वो भी हम बनाएंगे विदाउट मशीन और बहुत ही टेस्टी ये कॉफ़ी रेडी होगी। कॉफ़ी तो सबको ही ज़्यादा बहुत पसंद है और वैसे भी आजकल विंटर सीज़न स्टार्ट हो चुका है तो कॉफ़ी पीना बहुत ज़बरदस्त लगता है, बहुत इंजॉय करते हैं सब विंटर सीज़न में कॉफ़ी पीना। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। क्रीमी हॉट कॉफ़ी में जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करेंगे, सबसे पहले आप वो नोट कर, ग्लास हम लेंगे इसमें मिल्क, 1 टेबल स्पून हम लेंगे इसमें शुगर, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा ले सकते हैं, 2 टीस्पून लेंगे हम इंस्टेंट कॉफ़ी और 1 टीस्पून हम इसमें लेंगे नीम गर्म पानी और एक हमें नीड होगी एक एम्प्टी बॉटल की। तो इसमें आज हम बनाएंगे क्रीमी हॉट कॉफ़ी जो बहुत ही ज़बरदस्त सी बनेगी, वो भी विदाउट मशीन। चले हम स्टार्ट करें। 2 कप कॉफ़ी के लिए ये परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स हैं कॉफ़ी के, तो आप लोग इसी को मेजर करके ही कॉफ़ी बनाइएगा। 2 कप सबसे पहले मिल्क को बॉईल करने के लिए रख देते हैं मीडियम हीट पे, फिर हम कॉफ़ी मिक्सचर रेडी करेंगे। चले हम क्रीमी हॉट कॉफ़ी का मिक्सचर रेडी करते हैं विदाउट मशीन। बॉटल में शुगर ऐड करेंगे, देख सकते हैं हमने शुगर ऐड कर दी है बोतल में। अब हम बोतल में इंस्टेंट कॉफ़ी ऐड करेंगे, ये देख सकते हैं हमने बोतल में शुगर और इंस्टेंट कॉफ़ी को ऐड कर दिया है। अब हम इसमें नीम गरम वाटर ऐड करेंगे, वाटर की क्वांटिटी आप सेम यही रखिएगा जो मैंने आपको बताई है, 1 टीस्पून वाटर। अब जस्ट अब हमें क्या करना है, बोतल पे कैप लगाना है, बोतल का कैप लगा के हम इसे अच्छे से शेक करते रहेंगे। इतना शेक करना है हमें इसे कि ये जो चीनी की जो आवाज़ है ये बिल्कुल कम हो जाए और मिक्सचर है वो बहुत ही क्रीमी सा रेडी हो जाए। इतनी मज़ेदार सी क्रीमी हॉट कॉफ़ी ये रेडी होगी, बस इसको हमें अच्छे से शेक करते रहना है, इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा और चीनी की आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, कॉफ़ी मिक्सचर रेडी हो जाए। मिक्सचर हमने रेडी करा है विदाउट मशीन, वो रेडी हो चुका है और इसका कलर भी आप देख सकते हैं कितना चेंज हो चुका है। कॉफ़ी का जो मिक्सचर हमने रेडी करा है वो अब मैं कप में पोर करती हूँ, आपको मैं दिखाती हूँ इसका टेक्सचर। ये आप देख सकते हैं कितना क्रीमी क्रीमी हॉट कॉफ़ी का जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको कप में निकालेंगे, ये देख सकते हैं कितना क्रीमी टेक्सचर वाला ये मिक्सचर रेडी हुआ है क्रीमी हॉट कॉफ़ी का। ऐसे ही मैं दोनों कप में इसे पोर करती हूँ, दोनों कप में मिक्सचर ऐड कर दिया है मैंने, 1 टीस्पून ये मिक्सचर ऐड करा है, बाकी का हम ऊपर से ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऊपर से हॉट मिल्क को पोर करेंगे, बहुत ही मज़ेदार सी ये क्रीमी कॉफ़ी हमारी रेडी होगी। ऐसे ही हम इसमें भी ऐड कर देंगे सेकंड कप में, दोनों कप में मिल्क को पोर कर दिया है। जब आप कॉफ़ी मिक्सचर में मिल्क को ऐड करेंगे तो इसको मिल्क को थोड़ा ऊपर से ऐड करिएगा ताकि अच्छे से इसमें जो झाग है वो बहुत ही ज़बरदस्त से इसमें एक झाग से बन जाए जब आप ऊपर से थोड़ा मिल्क को ऐड करेंगे कॉफ़ी मिक्सचर में। ये देख सकते हैं अब मैं ऊपर से इसके ऊपर पोर कर रही हूँ, सेकंड कप में भी ये ऊपर से थोड़ा सा पोर कर रही हूँ कॉफ़ी मिक्सचर। कॉफ़ी देख सकते हैं मैंने दोनों कप्स पे थोड़ी थोड़ी जो कॉफ़ी है 1/2 टीस्पून और ऊपर से थोड़ा ऐड कर दिया है कॉफ़ी मिक्सचर जो हमने रेडी करा था। ये देख सकते हैं जो बाकी का जो मिक्सचर है वो बचा है, वो हम ऐसे ही फ्रिज में रख देंगे ये बोतल, और जैसे दोबारा से कॉफ़ी बनाना चाहें तो आप ये निकालिएगा बोतल को और बस इसको 3 से 4 मिनट शेक करिएगा, फिर से इसमें अच्छे से क्रीमी सा टेक्स्चर बन जाएगा। देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी
क्रीमी टेक्सचर कॉफ़ी रेडी हुई है और बहुत ही यमी बनती है। और मैंने आज आपको ये बनाना सिखाई है विदाउट मशीन, ये क्रीमी हॉट कॉफ़ी की रेसिपी। विंटर सीजन में आप लोग इंजॉय करें, बहुत ही ईजी वे में आज मैंने आपको सिखाई है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल महविश की कुकिंग बेकिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।